मैं लौट रहा हूं आपके पास। दिनेश गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। दिनेश गौड़ जी, आप लोगों ने तो इसे मुद्दा बना दिया, लेकिन सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। जैसे ही उन तक ये बात पहुंची पीआरओ के लेटर वाली, उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई कर दी। देखिए, हमारे बहुत सम्मानित मियां जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, कांग्रेस ने ये, हम मुद्दा क्या बना रही है, ये तो सामने दिख रहा है। ये तो पूरा पत्र वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट उनका जो उनका निजी सचिव ये कह रहा है कि उनको मौखिक आदेश हुए हैं। तो ये या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अज्ञानता है कि उन्हें इस तरह के आदेश नहीं देने चाहिए, और क्योंकि किसी एक निजी सचिव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के नाम पे इस तरह का पत्र लिख के और इस तरह जो है एक पुलिस कप्तान को इस तरह से एक पत्र लिखे जी। तो ये तो सामने दिख रहा है, ये हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हम इसको मुद्दा बना रहे हैं। ये तो मुद्दा है और वास्तविक मुद्दा है, तो इसको आपको मनन करना चाहिए। आपने अगर कार्रवाई भी की है, आपने कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि उसको निलंबित कर दिया गया है, अरे अगर उसने अपने दम पे ये सब किया है, अगर उसकी इतनी बड़ी हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री के नाम पे इस तरह से कोई लेटर लिख के इस तरह की अवैध कार्रवाई करवा सकते हैं, तो ऐसे न जाने कितने अन्य लेटरों के जो लोगों की नजर में आए नहीं है। तो मेरा तो मानना यह है कि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है जी। ये अपने आप में भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है, और हम एक मजबूत विपक्ष होने के नाते इस तरह की जो भी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है, इस तरह का जो भी भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से किया जाता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको जनता के सामने लाएं। और हम क्या जनता के सामने लाएंगे, ये तो दिख रहा है आप, ये लेटर निकला है उसमें और आप कह रहे कार्रवाई हो रही है जांच। अगर ये गलत नहीं था तो आपने खुद ही कहा अभी कि हमने उसको निलंबित कर दिया है। तो कुल मिला के आप इस बात को मान लीजिए कि आपके शासनकाल में ये सब चल रहा है और जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है विनय जी।